ભાવનગરના ઇસ્કોન ક્લબ ખાતે ડોક્ટર નીલમ ગોયલ, જેને ભારત કી પરમાણુ સહેલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેમના દ્વારા પરમાણુ વીજ મથકોની સ્થાપના કરવા બાબતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું. ભારત એ વિકાસશીલ દેશ છે, પરંતુ વિકસિત દેશ નથી. ત્યારે તેને વિકસિત કરવા માટેના જરૂરી ઉપાયો કરવા એ પણ જરૂરી છે, જેમાં સૌથી જરૂરી છે ઉર્જા, એટલે કે વીજળી. વીજળી ઉત્પાદન માટે સૌથી જરૂરી એવા પરમાણુ વીજ મથકોની સ્થાપના કરવામાં આવે, પરંતુ અનેક મથકો પર લોકો ખોટા માર્ગે દોરવાઈ જાય અને તેમાં વિરોધ કરી રહ્યા છે, ત્યારે સાચી હકીકત અને માહિતી આપવા પરમાણુ સહેલી ડોક્ટર નીલમ ગોયલ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી હતી. ડોક્ટર નીલમ ગોયલ હાલ ભાવનગર જિલ્લામાં આ બાબતે વિવિધ કાર્યક્રમો કરી યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ તેમજ લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે અને શા માટે આવા અણુ મથકો જરૂરી છે અને તે વિનાશ નહીં પણ વિકાસનું સર્જન કરે છે તેની સાચી સમજણ આપી રહ્યા છે. ભારત કી ચાર યોજનાઓ કે પ્રતિ સભી કો એક હી પ્લેટફોર્મ પર લાના, સબ ઇસી ઇન યોજનાઓ કે પ્રતિ જાને અવેર હો, તાકિ કોઈ ભી યોજના આયે તો ઉસકા લોગ વિરોધ નહીં કરે, ઉસકા સપોર્ટ કરે ઓર યોજના ટાઈમ પર લગે. इसी उद्देश्य के साथ भावनगर के अंदर 24 तारीख को एक जागृति रैली महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी चारों बटालियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनएसएस और पुलिस सभी के स्टूडेंट्स विद यूनिफॉर्म रहेंगे और पूरी सोसाइटी को एक संदेश देंगे ज्ञान और विज्ञान का कि इन योजनाओं के प्रति सभी में जागृति आए, वो खुद जाने और कोई भी योजना उसकी वजह से मतलब अवलंबित ना हो. जैसे मीठी वृद्धि परमाणु बिजली परियोजना है, ये परियोजना लोगों के, किसानों के, गाँव के विकास के लिए ही है. किस प्रकार से विकास के लिए है और किस प्रकार से भावनगर का डेवलपमेंट है और भारत की चार योजनाएं, नदियों के अंतर संबंध की योजना है, कृषि की योजना है, सड़कों की योजना है और बिजली की योजना है, इन चारों योजनाओं के प्रति जागृति करने के लिए 24 तारीख को सुबह नीलम बाग पैलेस से गढ़शाला एक रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी को हमने आमंत्रित किया है. इसके साथ साथ 27 तारीख को मेघाणी ऑडिटोरियम सरदार नगर में परमाणु ऊर्जा और भारत की चार योजनाओं के ऊपर एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी और जिसमें हमारे साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाया है कि वो इसके बारे में लोगों को सच्चाई बताएं और इसके बारे में जो भी उनके प्रश्न हैं उनका वो जवाब दें. इसके साथ हमने कुछ नया सेशन रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और बच्चों को, सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया है, उनका ड्राइंग कंपटीशन रखा है और मूवी हम दिखाएंगे. कुल मिला के एक जागृति महामहोत्सव है, सांस्कृतिक महामहोत्सव है और इसका मेन जो उद्देश्य है कि भारत की योजनाओं के प्रति हम जाने. जिस प्रकार से एक घर में समझ लीजिए 10 लोग हैं लेकिन चार रोटियां हैं, कैसे 10 लोगों का पेट भरेगा? एक आदमी को कम से कम चार चार रोटी चाहिए. इसका मतलब हमें कम से कम 40 रोटियों की व्यवस्था करनी है और यदि वो रोटियां यदि बटर के साथ हैं तो हमें 80 रोटियों के बराबर. कुल मिला के ये बात कहना चाह रही हूँ कि भारत के विकास के लिए हमें पर पर्सन पर एनम कितना हमें आगे जाए. जैसे कि आज भारत में एक एक आदमी को जो पैसा मिलता है वो है 80,500 रुपये. यदि हमारी चारों योजनाएं समय पर इम्प्लीमेंट हो और सब तरफ रोजगार हो तो हमारी यह जो पर कैपिटा इनकम है लगभग 15 लाख रुपए तक हो सकेगी. तो 15 लाख तक होने के लिए हमें चारों योजनाओं के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बनाना होगा, लोगों के मन में इसके प्रति पूर्ण विश्वास दिखाना होगा कि ये योजनाएँ पूरी तरह से उन्हीं के फायदे के लिए हैं. तो जब भी ये योजना इम्प्लीमेंट हो तो लोग उनका विरोध नहीं करें, हमारा इतना अवमूल्य समय वो खराब नहीं हो और हमारा देश सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता रहे. क्योंकि हम लोग बहुत सालों से हमारे दिमाग में सभी लोग जानते हैं वी आर डेवलपिंग. हमें अब विकसित होना होगा, उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ी बड़ी ये चार योजनाएं हैं, उनके प्रति लोगों में जागृति हो, इसी उद्देश्य के साथ ये दोनों कार्यक्रम भावनगर में किए जा रहे हैं.